بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، यूट्यूब के तमाम नाजरीन से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल हाफिज़ मोहम्मद अब्दुलअज़ीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 50 चल रही है। وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के नहीं माना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम, हमने इस कुरान को खोल खोल कर बयान कर दिया, लियद्दक्करू, ताकि उनको मालूम हो, उनको वो जान लें हकीक़त और किदब के अंदर फ़र्क, क्या सच्चाई है क्या झूठ है। मुशरिकीन और शिर्क वगैरह, कुफ्र वगैरह, तमाम चीज़ झूठ है ये, और तौहीद और उसकी वहदानियत ये सच है। इसको हमने वाज़े कर दिया कुरान के ज़रिए। फ़ाबा अक्सर उन्नास, अक्सर लोगों ने इसको ठुकरा दिया। अक्सर लोग जो है सिवाय नाशुक्री के नहीं माना, यानी नाशुक्री इंसान की फितरत के अंदर ही है उजलत और जो है नाशुक्री। तो अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि खलील अम्मा तशकुरून, दूसरी जगह कुरान की आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से बहुत ही कम लोग हैं जो शुक्र करते हैं। वलौ शिना लबअथना फी कुल्ली क़रियतिन नज़ीरा, अगर हम चाहते तो हम हर क़रिये में, हर बस्ती में एक रसूल भेजते, एक नज़ीर डराने वाला भेजते। लेकिन ये आखिरी नबी के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन हमने एक ही नबी को पूरी आलम तमाम जहानों के लिए इक्तफा इसलिए किया कि इसी में बेहतरी थी। अगर हम चाहते तो हर हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते। बस आप काफिरों का कहना ना माने और कुरान के ज़रिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जिहाद करें। जिहाद के माने यहाँ पर दलीलें, बराहीन, बयिनात, ये तमाम चीज़ें उनको वाज़ह तरीक़े से बयान करें। हिजज और तफाहीम, उनके फहम हर ज़बान में हर किस्म के लोगों के साथ खोल खोल कर बयान करें। जिहाद इस मानों में यहाँ पर फ़ला तुतील काफिरीना, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों की इताअत मत करो तुम लोग। दूसरी जगह कुरान में फरमाते हैं यहूद और नसारा की जो है ना इताअत मत करो, उनकी ताबेदारी मत करो। जो उनकी ताबेदारी इताअत करेगा वो उन्हीं में से होगा। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम,
यहूद और नसारा तुम्हारे से राजी नहीं हो सकते हत्ता कि तुम उनकी मिल्लत में दाखिल ना हो जाओ, यानी तुमको काफिर बनाकर छोड़ेंगे वो लोग। तो उससे पहले ही भाई हमको अल्लाह ताला बता दिया है हमारा खालिक, हमारा राजिक, हमारा सानेह, हमको हमारा क्रिएटर जो है हमको बता दिया है कि ये इस किस्म की सन्फ के लोग हैं, ये इस किस्म के सन्फ के लोग हैं। जैसा कि एक बड़ा मुहंदिस और डॉक्टर और इंजीनियर बता देता है इससे पहले कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है मैं निकाल रहा हूँ इसके अंदर ये प्रायोरिटीज़, इसकी अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं, तुम उसको ऐसा इसके इस कैटलॉग के हिसाब से मेंटेन करेंगे। अगर तो तुम सही ड्यूरेबल उसके अंदर जो है ना बहुत ही बहुत देर तक वो चीज़ चलेगी और कामयाबी से चला सकेंगे तुम। अगर नहीं उसके अंदर गलत मलत और जो है ना आगे पीछे कर देंगे तो थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमको कह रहा है कि शिर्क और कुफर के अंदर कोई भलाई नहीं है और वो जो है झूठ है, वो हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और यहूद और नसारा के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे से राज़ी नहीं हो सकते, कितना भी करो उनके साथ, कुफ्फार मुशरिकीन के साथ मिलजुल के उनके साथ तफाहम करके बात करने की कोशिश करो, ये हो ही नहीं सकता। वो एक अलग सन्फ है, ये अलग सन्फ है। इसके बाद अल्लाह ताला ऐसे आयत में बता रहे हैं कि समंदर बता, समंदर की मिसाल दी अल्लाह ताला, मीठा पानी और खारा पानी, मीठा खारा नहीं हो सकता, खारा नहीं हो सकता मीठा नहीं हो सकता, अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकते, सफ़ेद और ब्लैक जो है वाइट और ब्लैक कभी एक नहीं हो सकते। तो वैसे ही कुफ्र और इस्लाम, कुफ्र और ईमान और शिर्क और तौहीद ये कभी एक नहीं हो सकते, एक झूठ है एक सच पर मबनी है। तो फला तुती इल्काफिरी, काफिरों की तुम इताअत मत करो, यहूद नसार की इताअत मत करो। लेकिन हमारे पास इस वक्त उम्मत मोहम्मद का बहुत बड़ा फलका खुद अपने दीन पर अमल ना करने की वजह से अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर जो है ना वहन और दुनिया की मोहब्बत और आखिर से जो है ना खौफ डर, अगर एक मोमिन बंदा है अगर मौत अगर उसको देख रहा है तो फौरन अपने आँखों की से देखेगा और उसके लिए तैयार रहेगा। लेकिन अगर काफिर है अगर और जो है क़यामत के दिन से और ये तमाम चीज़ों से अल्लाह की लिखा से जो है ना उसको खौफ है, वो समझना कि उसके ईमान में कोई फ़र्क है। तो फला तुतील काफिरीन वजाहिदुन बिही जिहादन कबीरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम नबी को और वक्त के नबी को कह रहे हैं कि ऐ नबी तुम उनकी इताअत मत करो, वजाहिदुन और इस कुरान के ज़रिए, इस कुरान के बराहीन और हिजज और इस कुरान के जो है ना मफाहीम और दलीलों के साथ जो है ना उनको पूरा जिहाद उनके साथ कोशिश करते रहो। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अदबुन फुरातुन वहाज़ा मिल्हुन उजाज, और वही है जिसने वो दो समंदर आपस में मिला रखे हैं, ये है मीठा और मज़ेदार और ये खारा कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब और मजबूत ओट कर दी है। یعنی قرآن کریم کو اور بعض نے صرفنامے کا مرجع بارش کو قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں، یعنی کبھی ایک علاقے میں کبھی دوسرے علاقے میں، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی شہر کے ایک ہی حصے میں بارش ہوتی ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی، اور کبھی دوسرے حصوں میں ہوتی ہے پہلے حصے میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، جس طرح چاہتا ہے کہیں بارش برساتا ہے اور کہیں کبھی کبھی کسی علاقے میں نہیں برساتا۔ ایک کفر اور ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الہی کے بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیا جائے، جیسا کہ اہل جاہلیت کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے پاس کہتے ہیں کہ بھائی اماس آ گئی، یعنی تو بولتے ہیں کہ کارتی فلاں کارتی لگی یا فلاں وہ لگا اس سے بارش ہوگی۔ نہیں، مسلمانوں اپنا عقیدہ صحیح کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی جو ہے نا رحمت سے تمام چیزیں ہوتے ہیں، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہ الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات، اور وہی ہے جس نے سمندر میں دو حصے کر دیے، ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سے بہتے ہیں، یہ اس سے نہیں ملتا وہ اس سے نہیں ملتا۔ آب شیریوں کو فرات کہتے ہیں، فرات کے معنی ہے کاٹ دینا، توڑ دینا، میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے، اجاج سخت کھارا کڑوا ہے جو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی۔ بعض نے ہجرم مہجورہ کے معنی کیے ہیں، حرامن محرمن، ان پر حرام کر دیا گیا ہے،
कि मीठा पानी खारा या खारा पानी मीठा हो जाए। बाज़ मुफस्सिरीन ने मरज अल-बहरैन का तर्जुमा किया है खलखल माअइनी, पानी दो पानी किए, एक मीठा और दूसरा खारा। मीठा पानी तो वो है जो नहरों, चश्मों और कुओं की शक्ल में आबादियों के दरमियान पाया जाता है, जिसको इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करता है। खारा पानी वो है जो मशरिक़ व मग़रिब में फैले हुए बड़े बड़े समंदरों में है, जो कहते हैं कि ज़मीन का 3/4 हिस्सा है और 1/4 हिस्सा खुश्की का है, जिसमें इंसानों और हैवानों का बसेरा है। ये समंदर साकिन है, अलबत्ता इनमें मद और जज़र होता है, यानी उतार और चढ़ाव, मौजों का तलातुम जारी रहता है। समंदरी पानी के खारा रखने में अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है। मीठा पानी ज़्यादा देर तक कहीं ठहरा रहे तो वह ख़राब हो जाता है, उसमें पोल्यूशन, उसमें जो है ना मिलावट हो जाती है, इसके ज़ायक़ा रंग भू में तब्दीली आ जाती है। खारा पानी ख़राब नहीं होता, इसका ज़ायक़ा बदलता है न रंग और भू। अगर इन साकिन समंदरों का पानी भी मीठा हो जाता तो इनमें बदबू पैदा हो जाती, जिससे इंसानों और हैवानों में ज़मीन में रहना मुश्किल हो जाता। इसमें मरने वाले जानवरों की सड़ और बदबू मुतजाद। अल्लाह के हुक्म हिकमत तो यह है कि हज़ारों बरस से ये समंदर मौजूद है और इनमें हज़ारों जानवर मरते हैं, उन्हीं में गल सड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनमें मलाहत नमकियात की इतनी मकदार रखी है कि वो इसके पानी में ज़रा भी बदबू तआफ़ुन नहीं पैदा होने देती। इनसे उठने वाली हवाएँ भी सही हैं और इनका पानी भी पाक है, हत्ता कि इनका मज़ा भी अच्छा है और इनका मुर्दार भी हलाल है। وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا। वही है जिसने पानी से इंसान पैदा किया, फिर इसे नसब वाला और ससुराली रिश्ते वाला बनाया। इसी पानी से है तमाम चीज़ें। पानी जैसा कि कहते हैं कि पानी से वो लाइफ है, ज़िंदगी है। وجعلنا من الماء كل شيء حي, हमने पानी से हर चीज़ में ज़िंदगी दी है। वकान रब्बु का खदीरा, और तेरा रब जो है कुदरत, हर चीज़ में कुदरत रखने वाला है। व याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़ाउहुम व ला यद्दुरुहुम, और मुशरिकीन की मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला, वो इबादत करते हैं ऐसे चीज़ों की न तो उनको किसी चीज़ से नफ़ा मिलता है न तो नुकसान, ये देखते हैं लेकिन फिर भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुतख़स्सिसीन अपने अपने फ़नों के अंदर है लोग, लेकिन दीन के मामले में, इबादत के मामले में, जो इंसान को पैदा करने का मकसद है उसमें सोचते नहीं लोग। और मूर्तियों की, पत्थरों की, लकड़ी के पत्थरों की, मिट्टी के पत्थरों की पूजा करते हैं और चंद दिन के बदले आके उसे फेंकते हैं, अपने पैरों से कुचल कुचल कर पानी में ले आके फेंकते हैं। क्या ये सोचते नहीं कि ये हमारा इलाह था, हम इसका यह हाल कर दिए। वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़ाउहुम वला यदरुहुम वकान अल-काफिरु अला रब्बिही ज़हीरा वमा अरसलनाका इल्ला मुबशिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने तुमको नहीं भेजा इस दुनिया में इल्ला के बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको कुरान पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और सही तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।